TGT Mathematics online classes day number 9 video number 2 topic chal raha hai polar equation of conic. To polar equation of conic humne starting kiya hai aur day number 9 ka point number 12. To polar point kya hota hai, jaise ki koi point hai, ye point hai, ye suppose x axis hai aur ye y axis hai. Polar point P ye r and theta ki form mein hoga, r ye angle theta. तो r एंड थीटा के जो फॉर्म में पॉइंट्स होते हैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है ना. उसको क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं. जैसे कि इन ये एंगल थीटा है, ये एंगल r है, तो r एंड थीटा की फॉर्म में जो इक्वेशन बनती है वो r को कहते हैं रेडियस वेक्टर, OP बराबर R द रेडियस वेक्टर, और थीटा क्या होता है, पोलर एंगल, इसको वेक्टोरियल एंगल भी कहा जाता है. थीटा इज कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल या पोलर एंगल, ठीक है, पोलर एंगल या वेक्टोरियल एंगल. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है, जैसे कि P कोई पॉइंट है, ये x है, ये डिस्टेंस y है, ये r थीटा, तो x इक्वल टू होता है r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट से, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. बात करें थीटा की तो tan थीटा इक्वल टू होता है y अपॉन x, एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बाय पॉइंट्स, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इसके बाद लेना है. पॉइंट नंबर होगा हमारा 14. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना है. एक पॉइंट पी है, आर वन थीटा वन, और दूसरा पॉइंट अगर क्यू है, आर टू थीटा टू. तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, ये ओ है, ये एंगल थीटा वन, ये कंप्लीट एंगल थीटा टू, ये डिस्टेंस आर वन और ये डिस्टेंस आर टू, तो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन. तो यहाँ पे एक रिलेशंस निकल आता है, कोस एंगल निकाल सकते हैं. तो कोस एंगल यानी कि कोस थीटा का जो फॉर्मूलास होता है, बी स्क्वायर कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, किसी ट्राइंगल्स में कोई अगर हम ट्राइंगल्स लें ए बी सी, ए के सामने की साइड ए होता है, बी के बी होता है, सी के सी, अगर यहाँ पे कोस ए की वैल्यू लिया जाए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, तो उसी सिक्वेंस में ये वाला एंगल हम फाइंडिंग कर सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कोस थीटा टू माइनस का थीटा वन इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर अपॉन टू ओ पी इंटू ओ क्यू, ठीक है. तो ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू, यानी कि टू आर वन आर टू कोस थीटा टू माइनस का थीटा वन इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर. यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा टू माइनस का थीटा वन. तो ये आ जाएगा पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. टू पॉइंट्स के जो पोलर पॉइंट्स हैं, पोलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से बनाया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर है 15. पॉइंट नंबर पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. स्ट्रेट लाइन, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, कोई स्ट्रेट लाइन है अगर उसका सपोज ये पॉइंट ओ, ये पी है आर एंड थीटा में, और ये डिस्टेंस आर, ये एक्स एक्सिस है, और
ये एंगल है अल्फा, ये थीटा, ये अल्फा, ये पी, तो ओ पी इक्वल टू आर, आ ये एंड इसके इक्वल में कोई पॉइंट है जितनी डिस्टेंस ही है उतनी डिस्टेंस ही, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा इधर चलेगा तो, एंड ओ पी इक्वल टू आर, एंगल है थीटा और ये वाला बीच का एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा यानी पोलर इक्वेशन होगा आर कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन आर कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी, यानी पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल 16, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल आर स्क्वायर माइनस का टू स्मॉल आर कोस थीटा माइनस आर अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कोई सर्किल है P कोई पोलर है, ये आर एन थीटा और सी है आर एन अल्फा, ये एक्स एक्सिस है और ये डिस्टेंस होगा आर, ये एंगल अल्फा और ये होगा थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होगा ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर होगी, डिस्टेंस हो जाएगी आर, ये एंगल अल्फा तो ये कोऑर्डिनेट आर आर अल्फा हो जाएगा और ये पूरा थीटा है तो ये आर थीटा हो जाएगा। देन इक्वेशन बनता है पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टू स्मॉल आर कैपिटल आर कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केसेस भी बनाए जा सकते हैं, अगर सेंटर सी ऑन द इनिशियल लाइन, अगर सेंटर इसका इनिशियल लाइन पे है सेंटर सी ऑन इनिशियल लाइन, तो पॉइंट नंबर 16 में ही सी इफ पहला कंडीशन बन सकता है सेंटर सी ऑन द इनिशियल लाइन, यानी कि अल्फा इक्वल टू जीरो एंड आर स्क्वायर माइनस का टू स्मॉल आर कैपिटल आर कोस थीटा प्लस आई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एंड दूसरा बनता है पोल पोलो ऑन द सर्किल, पोलो ऑन द सर्किल यानी कि ओ सी बराबर कैपिटल आर बराबर स्मॉल ए, तो इसमें आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर हमने ये 17, तो इसी से कुछ कंडीशंस बन जाएगी जैसे कि बना आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो पोलर ऑन 17 में पोल ऑन ये फॉर्मूला भी इसी चल रहा है इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाता है पोल ऑन सर्क्यूम फ्रेंस एंड सेंटर ऑन द इनिशियल लाइन, पोल ऑन द सर्क्यूमफेरेंस एंड सेंटर ऑन इनिशियल लाइन, सेंटर इनिशियल लाइन पे लाई करेगा तो अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा टू ए कोस थीटा, इसी वाली में अल्फा इक्वल टू जीरो रख देंगे तो आर इक्वल टू टू ए कोस थीटा हो जाएगा। अब आता है इनिशियल लाइन इज टेंजेंट एट द पोल, अगर इनिशियल लाइन पोल के टेंजेंट है यानी कि तो एंगल बीच का हो जाएगा 90, ये जो एंगल है 90 हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो कोस ये 90 होगा 90 माइनस थीटा कोस उल्टा चेंज कर लेंगे कोस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बना देते हैं तो 18 है इनिशियल लाइन इज टेंजेंट एट द पोल, तो बीच का जो एंगल है वो 90 होगा। अगर हम फिगर की बात करें सर्किल के
तो ये सेंटर सी है, ये एक्स एक्सिस है और ये पी पी आर थीटा, ये एंगल अल्फा है, ये रेडियस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आर। तो अगर एंगल ओ पी बी ओ ए पी, ये ओ है, एंगल ये 90 अगर है तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो उस कंडीशन में बन जाएगा इक्वेशन ऑफ पोलर और 2a कोस, जहाँ पे थीटा माइनस 90 हो जाएगा, यानी कि 2a साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस में माइनस कोई इफेक्ट नहीं होता है, 2a 2a साइन थीटा हो जाएगा। अगर पोलर इक्वेशन इसी में अगर सेंटर ऑन द पोल पे हो, 19 पॉइंट बनता है अगर सेंटर इज द पोल, इन दिस केस फॉर ऑल पोजिशन ऑफ पी, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये थे फॉर्मूलास, आगे फॉर्मूलास बनता है हमारा पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, मेन पॉइंट जो अब आएगा पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये तो हमने सर्किल वगैरह के बना दिए हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वैसे कि ये कम ही पूछते हैं, केवल पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक पे ज़्यादा डिपेंडिंग रहता है क्वेश्चन, ठीक। तो अब आता है पॉइंट नंबर हमारा है 20, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। जनरली बहुत पूछा जाता है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस का ई कॉस थीटा, इट इज़ द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है। कोई भी कॉनिक से अगर उसकी पोलर इक्वेशन कहा जाएगा तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। और अगर कॉनिक अगर इस टाइप में बनी हुई है, इस डायरेक्शन में बनी हुई है, तो ये होगा एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस का ई कॉस थीटा। और अगर कॉनिक अगर इफ जो फिगर से इधर साइड बने, तो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा सेकंड फिगर के लिए, और फर्स्ट के लिए ये रहेगा एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। वैसे फिगर बना के नहीं देते हैं, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन ही आता है तो यही, अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 माइनस ई कॉस थीटा को, और इक्वल टू 1 अगर पैराबोला की बात करें तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सबके लिए ई का मान अलग अलग होता है, पैराबोला के लिए आप जानते हैं इक्वल टू 1 होता है कि, और हाइपरबोला एंड एलिप्स में ई लेस देन ग्रेटर देन इस तरह से हुआ करता है। तो फोर अगर पैराबोला है, फोर पैराबोला के लिए, ठीक है, अगर कॉनिक पैराबोला है तो क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 होगा पैराबोला इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस का कोस थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस का कोस थीटा यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से इक्वेशंस बन पाएगी, ठीक है। तो अगर कॉनिक हाइपरबोला होता है तो इज़ ग्रेटर देन टू 0, इज़ ग्रेटर देन टू 1, ई वन से बड़ा होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बना सकते हैं इक्वेशन पॉइंट नंबर 20। फोर हाइपरबोला के लिए इज ग्रेटर देन टू 1 होता है, जहाँ पे e 1 से बड़ा आया है, तो उस कंडीशंस के लिए जो पैराबोला या जो फॉर्म है, तो हाइपरबोला इस तरह की फॉर्म में हुआ करता है, ऐसे उसकी फोकाई होगी और इससे पासेस एक लाइन, इससे टचिंग लाइन होगी। सपोज़ ये एंगल थीटा है, ये वाला पाई माइनस थीटा, और ये सपोज थीटा, तो एस पी पी ये पॉइंट है, तो एस पी इक्वल टू होता है 1 माइनस का ई कॉस थीटा, एंड एस पी डैश 1 माइनस ई कॉस थीटा माइनस का पाई, एंड
तो माइनस कार्बन अपॉन वन प्लस ई कॉस थीटा। एस पी प्लस एस पी डैश की वैल्यू नहीं बुला लेते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है। तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एल बनर इक्वल टू दिस, एस पी की वैल्यू आ गया और एस पी डैश की वैल्यूज भी हम निकालते हैं। और पॉइंट नंबर हम लेते हैं 22 से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 22, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता होती है, डायरेक्ट्रिक्स नियता का इक्वेशन हमको लेना है। सपोज पैराबोलिक है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, तो उस कंडीशन में यानी कि जो यहाँ से अगर पैराबोला है तो यहाँ से लाई कर रहा होगा, इस तरह से लाई कर रहा होगा, ये फोकल होगी, ये ए पॉइंट है मान लिया, तो ये जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ये भी होता है, ये एस और ये पॉइंट है एल, लेटर सेक्टम के डिस्टेंस सब कुछ एल है, तो एस एल और एम एल जितना डिस्टेंस ये होगा इतना ये भी होगा, पी के बराबर पी एस यहाँ पर हुआ करता है, ये बराबर ये और एस जेड ये जो डिस्टेंस है ये एल है तो ये वाला भी एल होगा इतना ही, तो एक्स तो आर कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एल, एंड एक्स इक्वल टू होगा माइनस एल इधर की ओर। जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हुआ करता है, डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर लाई करती है, एक्स इक्वल टू माइनस एल यानी आर कोस थीटा, पोलर में लेनी है तो एल अपॉन आर इक्वल टू होगा माइनस का कोस थीटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जनरली एक्स अपॉन ई हुआ करता है, यहाँ पे ई पर डिपेंड नहीं करता है, और एक्स इक्वल टू माइनस एल यानी एल और थीटा और एल के टर्म में लेना है, एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस का कोस थीटा, ये होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुआ, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर ये है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। और अगर बात आती है ऐसे ही इलिप्स के लिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर है एल अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस का ई कॉस थीटा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता का समीकरण ये हो जाएगा एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस का ई कॉस थीटा, एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस का ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे भी हम कंडीशन बना सकते हैं, हाइपरबोला इज कैन इजिली सीन द इक्वेशन, यानी कि हाइपरबोला ये भी डायरेक्ट्रिक्स इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोला में कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाइपरबोला पैराबोला जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स बन के चलेगा। अब बात आती है कि थोड़े बहुत इसमें क्वेश्चंस होंगे, और 23 पॉइंट्स हो ही चुके हैं, दो पॉइंट्स और ले लें तो काफ़ी है, अगली दो वीडियोस में इसको कवर किया जाए, इसमें तो ये एक ही और वीडियो में कवर हो जाएगा, नया टॉपिक 3D चालू करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 24, पॉइंट नंबर 24 में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, एस वाई एम पी टी ओ टी एस एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हुआ करता है आर साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स वन अपॉन ई इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ से अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग हो जाते हैं हमारे, इक्वेशन है एल अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस का ई कॉस थीटा एंड एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस वन माइनस का ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक, ये शो करना है, रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक, ये दोनों ही एक ही कॉनिक शो करते हैं, तो कैसा होगा, क्योंकि
पहली वाली जो कंडीशन है एल अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस का ई कोस थीटा है, दूसरी है माइनस वन माइनस का ई कोस थीटा। तो दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मोमेंट का फ़र्क है कि एंगल पाई प्लस थीटा मूव हो गया है। तो एक का जो एंगल था आर थीटा था, आर थीटा पोलर पॉइंट था, और दूसरे का जो पोलर पॉइंट है माइनस आर थीटा प्लस पाई, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे कि ये है एक कॉनिक्स है और एक पॉइंट यहाँ पे है पोलर पॉइंट और एक यहाँ पे है ये है, तो ये वाला हमारा आर थीटा में है, तो ये होगा माइनस आर एन थीटा प्लस पाई में इस तरह से। और कॉनिक ये सेम ही होगा उस तरह से, ये रिप्रेजेंट कराना है तो केवल एंगल पर डिपेंडिंग कर रहा है। तो पहला वाला जो है वन एल अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस का ई कोस थीटा, ये तो जनरल फॉर्म हो गई। अब बात आती है कि दूसरी वाली फॉर्म के लिए, तो आर की जगह माइनस आर होगा, है ना, जो मोमेंट हुआ है एल अपॉन माइनस का आर इक्वल टू, इसी में आर की जगह माइनस आर अगर हम ले लेते हैं तो ये कॉनिक वही बननी चाहिए अगर यहाँ पे पॉइंट चला गया है, तो वन माइनस का ई एंड कोस थीटा प्लस पाई, ठीक है, पाई प्लस थीटा, यानी कि अब क्या करते हैं इस माइनस साइन को उधर ले जाते हैं, तो एल अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन माइनस ई कोस थीटा, माइनस वन माइनस का ई कोस थीटा। तो माइनस से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही कॉनिक आ गया, केवल देखा जाता है ये वाला पोर्शन, ये अगर सेम है तो सेम कॉनिक होगा। ई कोस थीटा है माइनस ई कोस थीटा, ये भी माइनस ई कोस थीटा है, तो कॉनिक सेम होगा। यहाँ कॉन्स्टेंट वन है या माइनस वन है उसको इग्नोर करते हैं, यानी उसको पॉइंट पे ध्यान नहीं देते, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो केवल इन पॉइंटों पे ध्यान देना है। अगर ये सेम है, ये वाला पोर्शन है और ये पोर्शन सेम है, दोनों ही माइनस साइन की हैं, तो सेम कॉनिक में होगा। तो इस तरह से एंगल अगर इतना मूवमेंट किया है तो ये एक ही कॉनिक बना रहा होगा। तो नेक्स्ट आगे इस पर और क्वेश्चन आते रहेंगे।